नव भारत द्वारा 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे के अवसर पर बिकेस डांस मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां झूमेगा नागपुर नॉनस्टॉप 12 घंटे, जहां 12 कोरियोग्राफर भी डांस करेंगे, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आइए डालते एक नजर। बेसिकली जो ये हमारा इवेंट होने वाला है, इसका मेन टारगेट यही है कि हम लोगों को खुशियाँ बांटे, क्योंकि क्या होता है डांस बेसिकली ये ऐसा होता है कि ये ऐसी एक्टिविटी है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने काम में आती है। और आज के तारीख में कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उनका बिजनेस ख़राब हुआ है कोरोना की वजह से, या फिर मेडिकल इश्यूज़ हुए हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हुई है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। हम सब बात करते हैं कि इंडिया में डांसिंग की उतनी वैल्यू नहीं है जितना हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम इंडिया में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक फेस्टिवल बना रहे हैं जिसमें हम सब चाहेंगे कि हम नागपुर वाले ये रिकॉर्ड बनाएं, और नागपुर से नहीं, हम चाहेंगे कि नागपुर के आसपास जो विदर्भ है सभी लोग ये ज्वाइन करें, सभी लोग ये फेस्टिवल को एंजॉय करें साथ में। पहली बार जो वर्ल्ड डांस डे है नागपुर में पहली बार होने वाला है फ्रॉम नव भारत की तरफ से, तो हमारा भी यही मोटो है कि जो सभी लोग कर रहे हैं डांस कोविड के वजह से, जो नहीं किया है, जिसने रुके हैं घर में, जो हेल्थ के वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं सबके साथ। वर्ल्ड डांस डे के अवसर पर झूमेगा नागपुर। जी हाँ बिल्कुल, पूरा नागपुर जो है 29 तारीख को झूमने वाला है, नाचने वाला है। वो कैसे हम जानते हैं, ये 12 कोरियोग्राफर हमारे साथ यहाँ पे है। नव भारत द्वारा जो है एक इवेंट किया जा रहा है, उसमें क्या होने वाला है जानते ही नहीं से। क्या बताओगे हनी, आप एक कोरियोग्राफर भी हो, मतलब बहुत सारे जो है काम आप करते हो, और अभी ये झूमेगा नागपुर ये क्या है, किस तरह से ये नव भारत का ये जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है, क्या होगा इसमें? बेसिकली एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो नव भारत ने रखा है। वर्ल्ड डांस डे के दिन नागपुर नाचेगा नॉन स्टॉप, तो 12 घंटे पूरा नागपुर ये डांस करने वाला है। हमारा बस एक ही एम है उस दिन कि नागपुर का बच्चा बच्चा डांस करे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, और किसी भी प्रोफेशन से हो वो उस दिन डांस करे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड अभी अभी गया है और सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो एक स्ट्रेस फ्री इवेंट बोल सकते हैं हम इसको, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनने वाला है क्योंकि 12 घंटे डांस करना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सो हम लोग बस एक कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन नागपुर को एक छोटी सी स्माइल और एक छोटी सी खुशी दे पाएँ। बिल्कुल, कोविड के बाद तो हर कोई चाहता है कि स्ट्रेस फ्री जिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इतनी पाबंदियां हमने देखी है, इतनी पाबंदियों में हम जिए, उसके बाद कोविड के बाद जो ये पाबंदियां हटी है, तो इवेंट जो है शुरू हो चुके हैं और नागपुर को झूमने का मौका नव भारत दे रहा है 29 तारीख को। मुझे बताइए कि आप सभी कोरियोग्राफर हो, कौन से डांस, मतलब कौन से गानों पर आप डांस करने वाले हो, किस तरह का ये थीम रहेगा, क्या बताओ? गाने तो हम लोग जनरली सोचे हैं कि नागपुर डांस नागपुर ये थीम है, तो नागपुर क्राउड नाचे ऐसे ही गाने रखे, तो नागपुर का मतलब बॉलीवुड गाने पे हम लोग करा रहे। और स्टाइल और थीम का ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि नॉर्मल क्राउड आ रहा है, नॉर्मल क्राउड के लिए ही इवेंट है डांस नाचेगा नागपुर, तो नॉर्मल क्राउड ऐसी स्टाइल पर डांस नहीं कर सकता, तो हम लोग सिर्फ गाने पर ही डांस करा रहे हैं। बिल्कुल, 12 घंटे ये रिकॉर्ड होने वाला है, तो किस तरह का ये कार्यक्रम जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, क्या बताओगे, मतलब कैसे गाने रहेंगे, किस तरह से वन बाय वन डांस होगा, क्या होगा? जैसे यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली क्राउड एक साथ आके हमारे फॉलोअर्स जितने भी कोरियोग्राफर थे ऑन स्टेज रहेंगे और नॉर्मल पब्लिक उसे देखकर फॉलो करने वाली है। सो लाइक ऐसे स्टेप्स बहुत इजी रहेंगे जो कि बच्चे से लेके यहाँ पे बुजुर्ग तक उसे हर चीज़ को फॉलो करे प्रॉपरली। और यहाँ पे मैक्सिममली हम बॉलीवुड ट्रैक लेंगे जो लोग पसंद करते हैं, बिकॉज म्यूजिक इज़ बेस्ट मेडिसिन बोला जाता है, और इस मेडिसिन को हम लोग कोविड में किस तरह से यूज़ करेंगे उसे अप्लाई करने वाले यहाँ पे हम। डांस डे के लिए आपने किस तरह की तैयारी की है, क्या बताओगे, कौन से मतलब गाने पे आप झूमने वाले हो और झुमाने वाले हो पूरे नागपुर वालों को? तो गाने तो पूरे जैसे इनने बताया बॉलीवुड ही रहेंगे, सारे गाने जिसमें मज़ा आ जाए ऐसे पब्लिक को एकदम ही। और तैयारियां तो काफ़ी दिन से चल ही रही है, हम सभी साथ में तैयारी कर ही रहे हैं, अभी भी इसके बाद हम प्रिपरेशन ही करने वाले हैं, तो गाने तो बढ़िया ही रहने वाले हैं, और मैक्सिमम तो पूरे स्पाइसी गाने जिसपे सबको मज़ा आ जाए।
वैसे तो नागपुर हॉट सिटी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही कूल है। क्या बताना चाहोगे कि गानों को कैसे आपने मतलब चूज़ किया है, क्या बताओगे? चूज़ तो ऐसे किया, जैसे सॉन्ग बजता है तो हम ऑटोमेटिक नाचने लग जाए, ऐसे सॉन्ग हमने चूज़ किए कि हमको नाचने के लिए बोलना ना पड़े। जैसे लाइक ऐसे बजता है हमने पकड़ लिए, तो ऑटोमेटिक पब्लिक के हाथ ऊपर हो जाते हैं और डांस करने जाते हैं। भले उनको स्टेप आता ना हो, भले वो फॉलो ना कर पाए, पर हम चाहते हैं कि सब नाचे उस दिन आके। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हम नाच रहे तो हमको प्रॉपर फॉलो कर पाए हो, उस दिन आके कोई भी एक घंटा अपना आए, आधे घंटे के लिए आए और हमारे साथ नाचे और हमारे साथ ज्वाइन करे। इससे हमारे जैसे सारे डांसर्स भी हम लोग जुड़े, वैसे हम पूरे पब्लिक को भी अपने साथ जोड़ना चाहते। और उसके लिए मुझे एक और चीज़ बोलना था, हमने स्पेशली इसके लिए नव भारत की तरफ से हमने एक सॉन्ग बनाया है जो नागपुर का सॉन्ग है, स्पेशली नागपुर के लिए साक्षी ने गाया है वो सॉन्ग। और उसी गाने पे हम लोगों ने अपना एक सिग्नेचर स्टेप्स भी बनाया हुआ है, जिसमें अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है नागपुर में और सभी लोग उसमें अपनी अपनी रील्स वगैरह बना के अपलोड भी कर रहे हैं। आप क्या करने वाले हो वर्ल्ड डांस डे के दिन? ओके, आई एम करिश्मा वाट एंड आई एम अ कोरियोग्राफर सिंस 10 ईयर्स। तो इसके पहले भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, बट इतने बड़े लेवल पे नव भारत हम सारे कोरियोग्राफर्स को जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, सो दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज। और प्लान तो ऐसा है कि लोगों को हंसाना है, उनको नचाना है, उनको बहुत सारा एडलिन रश देना है एंड वी हैव टू सेंड देम विथ हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। मेरा नाम सोनिया मड़ावी है। हमारी कोशिश यही है कि नागपुर को बस झूमने पर मजबूर करना है, हर बच्चा बूढ़ा जो भी है सब इंजॉय कर सके उस दिन को, और वर्ल्ड डांस डे 2022 वो याद रखे बस। हेलो, मेरा नाम रोहित है। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि नव भारत ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है नाचेगा नागपुर नॉनस्टॉप, तो ये एक इवेंट सिर्फ डांसर्स लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे नागपुर के लिए है, जिनको नाचना आता हो नाचना नहीं आता हो, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कोई भी, उस दिन हर कोई आके वहाँ पर सिर्फ एक अपना पूरा दिल खोल के नाचे। हम लोगों ने आप इसको एक पार्टी समझ सकते हैं, ओकेजन उस दिन वर्ल्ड डांस डे है, तो हर कोई आके वहाँ पे अपना दिल खोल के नाचे झूमे। नवभारत की तरफ से ये बहुत अच्छा मौका मिला है हर किसी को, तो हम सबसे 12 लोगों की तरफ से, 13 जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से मैं यही कहूँगा कि सारे के सारे लोग वहाँ पर आइए और दिल खोल के नाचिए बस। थैंक यू। तो नव भारत लेकर आया है सबको नाचने का और झूमने का मौका 29 तारीख को। जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड डे जो है डांस वर्ल्ड डे है उस दिन, और उस दिन नव भारत एक बिग इवेंट लेके आया है डांस मैराथन। ये पहले बार होने जा रहा है और इसके ज़रिए जो है 12 घंटे जो पूरा नागपुर झूमेगा, साथ ही ये जो 12 कोरियोग्राफर है ये भी नाचेंगे, गाएंगे और झूमेंगे, और इसका मज़ा लेने के लिए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ज़रूर शामिल हो और डांस का मज़ा लें। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।